नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन से जुड़े लोगों द्वारा जनमानस को जागरूक किया गया। जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था के लोगों ने प्राचीन सभ्यता एवं धर्म के प्रति आस्था रखने की बात कहते हुए सभी को शाकाहार एवं शुद्ध भोजन करने का उपदेश दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि शाकाहार अपनाने वाले लोग हमेशा निरोग रहते हैं तथा उनके अंदर शुद्ध मस्तिष्क तथा पवित्र आत्मा का निवास होता है, जिससे वह समाज को तथा स्वयं को उच्च जीवन स्तर को प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान करते हैं तथा समाज में हो रही बुराइयों एवं अत्याचार को भी रोकने तथा सुधार करने में उत्तम होते हैं। उन लोगों ने बाबा जय गुरुदेव को ईश्वर का अंश बताते हुए उनके आदेशों का सभी धर्म के लोग पालन करें तथा अपने जीवन को एवं जीवन स्तर में सुधार लाएं। इससे समाज तथा देश साथ ही साथ संपूर्ण विश्व के लिए लाभदायक है। तमाम तरह की बीमारी तथा असामाजिकता को रोकने का साधन तथा तरीका बताकर समाज को इन लोगों ने जागरूक किया। इस दौरान डॉक्टर दिनेश सिंह जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रवक्ता गोरखपुर, वीर केशवर सिंह बांसदेव, राकेश शर्मा, दूधनाथ गुप्ता पुरुषोत्तम, राजेंद्र यादव, देवेंद्र प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। दिग्विजयनाथ शुक्ला, मंडल ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान न्यूज 24, गोरखपुर। संदेशा है शाकाहारी और सदाचारी लोग रहें और देश सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। जय गुरुदेव। आप लोग अपने संस्था के माध्यम से समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? समाज को देखिए, जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन इकाई कुशीनगर की तरफ से मैं आप सभी विश्व के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ और यह हम लोगों का लक्ष्य है कि सारे दुनिया के लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएं। आने वाली तमाम बीमारी महामारी, जैसे ये बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, इसका इतना बड़ा हुआ पूरे देश में खड़ा हो गया है, पूरे विश्व में खड़ा हो गया है कि सब लोग जान बचाते फिर रहे हैं, लेकिन कभी इस कारणों को जानने की कोशिश लोगों ने नहीं किया कि आखिर वो क्यों रहा है। आप बता सकते हैं कि कोरोना वायरस आखिर में क्यों फैल रहा है इतनी तेजी से? देखिए, ये खान पान की गड़बड़ी के वजह से लोगों के अंदर इतना वायरस भरा हुआ, इतना बीमारियां भरी हुई हैं कि जिस बीमारी का लोग आज तक नाम नहीं सुने थे, पशु पक्षियों का खून इंसान के खून में मिलने शुरू हो गए। समाज के प्रति आप लोग क्या, समाज को क्या देना चाहते हैं अपनी संस्था के माध्यम से? समाज को क्या आप लोग किस रूप पे लाना चाहते हैं? समाज के वजह से हम पूरे विश्व को यह चाहते हैं, पूरे समाज को चाहते हैं कि सब लोग ईश्वरवादी खुदा प्रस्त बन जाएं, उस मालिक पे भरोसा रखें, संत महात्मा फकीरों से रास्ता लेकर के भजन करें और माता पिता का सेवा करें, देश में किसी प्रकार का तोड़ फोड़ हिंसा आंदोलन से दूर रहें, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, या किसी भी तरह का तोड़ फोड़ हिंसा आंदोलन से राष्ट्र की क्षति होती है, जो अपनी क्षति है, हमारा यही संदेश है। सत्य मार्ग पर चलें। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश सिंह। आप इस अपने संस्था में कौन से पद पर हैं? मैं जिला उपाध्यक्ष इकाई कुशीनगर, प्रवक्ता गोरखपुर मंडल।